टू कॉमन राइट्स विद कपिल। सिद्धू भाई, किसी ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते, और मैं कहता हूँ होने भी क्यों चाहिए। मतलब जैसे बंदे ने झूठ बोल बोल के जहाज ले लिए, वो पैदल क्या करने जाएगा। एक कहावत और है कि झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। मैं कहता हूँ भाई साहब, 5 साल टिक जाए, 6ठे साल जरूरत किसको है। और मोबाइल ने आजकल कैसे कैसे झूठ बोलने सिखा दिया लोगों को। पाजी, मैंने एक लड़के से पैसे लेने थे, बात मानने में तो नहीं आती लेकिन हाँ लेने थे। मैं उसके घर पे चला गया, वो शरेआम झूठ बोल रहा है। मैंने देख भी लिया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो। कहते भाई मैं तो सिंगापुर आया हूँ। मैंने कहा दरवाजा खोल। कहते तू कहाँ है। मैंने कहा मैं सिंगापुर के गेट पे खड़ा हूँ, कमीने। बच्चे ले लो भाजी, बच्चे कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। एक बच्चे को उसके दादा ने कहा था, बेटा बेटा छुप जा, अंदर जाके तेरे टीचर आ रहे, तुझे देखना ले। बच्चा घबरा के दादा को बोल रहा है, पहले आप छुपो। कहता क्यों। कहता आप मर गए, यही बोलोगे तो मैं छुट्टी ली है। खैर भाजी, झूठ की बात देखिए कर भी कौन रहा है, जिनकी फैमिली ने झूठ बोल बोल के 50 एपिसोड निकाल दिए। देखो साहब जी, मैंने घर को दुबई बना दिया है। अबे हमसे इतने सालों में बाथरूम नहीं बनाया गया और तूने दुबई बना दिया। हाँ जी। ये किस भिखारी का कोट पहन के घूम रहा है ये साहब जी? आपका ये जो आपने शादी पे पहना था। ठीक है। लेकिन ये घर का हुलिया और अपना हुलिया चेंज क्यों किया तूने बे? साहब जी क्योंकि आज ना मेरे मामा यहाँ रहने आ रहे हैं। क्यों बे? ये कोई अनाथ आश्रम है? साहब जी उनकी गांव में बड़ी इज्जत है। तो फिर यहाँ क्यों आ रहा है बेइज्जती करवाने? बेइज्जती करवाने नहीं आ रहे, वो इधर रहने के लिए आ रहे हैं। चल चल, ये तो कोई मामा मामा नहीं आ गया। साहब जी मेरी बात तो सुन लो आप। अबे नहीं बे, बहुत बड़े आदमी है वो, करोड़पति है वो। अबे तेरा मामा मेरा बाप हुआ ना, बुला उसको, कहां है करोड़पति आदमी। देख लो साहब जी बाहर खड़े हैं वो। तेरे को अकल किसी ने सिखाई नहीं? तेरे को कोई है, तेरे को शिष्टाचार? इतने अमीर आदमी को बाहर खड़ा, उसको ले गया। ले तो आता हूँ लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैंने ना उनको बताया हुआ कि मैं दुबई की, मैं बहुत अमीर शेख का बिजनेस पार्टनर हूँ। तूने झूठ क्यों बोला बे? तो और क्या बताता, आप जैसे ठुन ठुन गोपाल की यहाँ नौकर हूँ मैं। अबे उसको पता नहीं चलेगा ये दुबई नहीं है? कभी वो गांव से बाहर निकले तो उन्हें पता चलेगा, इसीलिए मैं उन्हें पानी के रास्ते से लेकर आया हूँ, कुछ नहीं पता चले उन्हें इस बात पे। वैसे बनता रहे तेरे थप्पड़ है, मामा रोड पर कहूंगा कुछ नहीं, जा उसको लेके अंदर। एक बात है, अगर आप उसको यही यकीन दिला दें, हाँ, कि आप बहुत अमीर शेख हैं, हाँ, और मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ, हाँ, तो आपका भी छोटा मोटा काम चला देंगे। पक्का? हाँ पक्का। तू टेंशन मत ले, ऐसा दुबई दिखाऊंगा ना, तेरे मामा को दुबई वालों ने भी दुबई नहीं देखा होगा ऐसा। तो एक काम कर, मैं सारी फैमिली को सेट करता हूँ, तू जाके मामा को सेट कर। चल पक्का, निकल जा। लाओ फिर मामा, 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 मामा आओ। दुबई आ गए, दुबई आ गए भांजे, क्या दुबई है। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ, हाँ, कि पानी के जहाज का सफर आपका कैसा रहा? बेटा हा? ये जहाज वाले चीटिंग कर रहे हैं। इसको नीचे रख दो, थक जाओगे आप। हाँ आप बताओ। जहाज वाले चीटिंग कर रहे हैं बेटा। कैसे? वो जहाज के दरवाजे पे हाँ खूबसूरत सी लड़की रखते हैं। तो चीटिंग कहाँ हुई? अरे पैसेंजर आता है हाँ, उसे कहती है हाँ, आइए। जहाज में आपका स्वागत है। फिर मैं जैसे जाके बैठा, उसने उठा के दरवाजा बंद किया, धपाड़। उसके बाद मुझे पता चला कि जहाज वालों के पास खूबसूरत लड़की एक ही थी। उसके बाद जैसे जहाज चला है, ऐसी ऐसी औरतें छोड़ी उन्होंने, दरवाजा खोला एक क्यों आई। खाने में क्या मांगता है? मतलब मुझे रहम मांगता है, आशीर्वाद मांगता है। हमने जाओ मच्छी ले आओ मच्छी। फिर मेरे को कांटा देके गई, तो पानी में लटका दो, अपने लिए भी खींच लेना, मेरे लिए भी खींच लेना। बेटा तुम्हें भैंसिया बहुत याद करती है, कहती है हमारा बिटुआ कब आएगा। बिटुआ? अरे तुम्हारी माँ तो रही नहीं, हाँ? वो तो गुजर गई थी। तुम हाँ? भैंसिया का दूध पी पी के बड़े हुए हो ना। भैंसिया तुम्हारी माँ हुई। अच्छा हाँ, तो फिर हमारे पिताजी का क्या हाल है? पिताजी? पिताजी तो तुम्हारी शक्ल देखने के पहले ही
गुजर गए थे। वो नहीं, जिनसे हल जोतते हैं, मैं उन पिताजी की बात कर रहा हूँ, बैल की। बैल को बाप बोल रहा है? हाँ, तो जब भैंसे हमारी माता तो बैल बाप ही होंगे। अच्छा वो छोड़। लेकिन मैंने भैंसिया को देखा है। अच्छा, तुम्हारी राह देख रही है भैंसिया, स्टेशन की तरफ मुंह करके तेरे इंतजार में। पूरा झाग निकलता रहता है। जैसे ही मैं देखता हूँ झाग निकला, मैं दौड़ के उस तरह लेके आता हूँ। अच्छा। झाग निकाल के दाढ़ी में लगा के फौरन दाढ़ी बना लेता हूँ। वाह 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 वाह, मामा जान मामा जान, आपका इंतकाल करते हैं तहे दिल से। कोई दिल तक आने में कोई आसानी तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बस बहुत ही मुश्किल से आ गए। वाह। वैसे हमारा भांजा किस चीज का पार्टनर है आपका? यही झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ। मतलब ये सब कंपनी का सारा झाड़ू पोछा सामान ये सब यही करता है, पड़ोसी से मांग के लाता है। मांग के लाता है? मतलब इंपोर्ट करता है, मतलब इधर उधर से लेकर आता हूँ। पड़ोसी मुल्कों से। पड़ोसी से मतलब? पड़ोसी मुल्कों से। बहुत पड़ोसी मुल्क, अगलिस्तान बगलिस्तान पिछलिस्तान इंग्लिस्तान कमालिस्तान फिल्मिस्तान। खजूर का सामान अंदर रखो, चलो जाओ जाओ। हाँ, ले जाओ ले जाओ। अपनी बात है, घर की बात है। जाओ जाओ जाओ। आपके कपड़े बहुत अच्छे महक रहे हैं, आप बड़े खानदान के लगते हैं। हम बहुत बड़े खानदान से, ये सारा दुबई हमारे नाम से बना। आपने अबू धाबी का नाम सुना है? अबू धाबी का नाम सुना मैंने। अबू धाबी हमारे चाचा जी के नाम से बना है। अच्छा। उनका नाम था अबू। अबू की जब शादी हुई तो बीवी ने दाब लिया, लोग कहते बीवी के नीचे दबा है। तो जब से अबू धाबी। हाँ, आपने काबुल सुना होगा, काबुल हमारे बाप के नाम से बना है। बाबुल होगा, बाबुल इंडिया में होता है, इधर काबुल होता है। काबुल ठीक है, अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना रेसिपी। शेख साहब, हमने सुना आपके यहाँ ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है, हम तो यहाँ अपने कबूतर को भी ड्राई फ्रूट खिलाता है। अच्छा, तो खिलाओ। अब हमने कहा कबूतर को, चुचुंदर को नहीं खिलाता है। चुचुंदर को मत खिलाओ, लेकिन हमें तो खिलाओ। अब नहीं खिला सकता, अभी अब कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट सस्ता, ड्राई फ्रूट खिलाओ। कल को कहेगा पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल पिलाओ। पेट्रोल पिलाया और कल को स्टार्ट हो गया तो। अच्छा शेख साहब, सही से बताइए आपका बिजनेस क्या है? हम बनाने का काम करता है। उल्लू बनाने का, केला हमारा केले का फैक्ट्री है। केला। हाँ, हम अफगानिस्तान से छिलका मंगाता, उसमें केला भर भर के बेचता। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी फैक्ट्री का केला इतना इतना बड़ा होता, एक दर्जन में सिर्फ दो ही आता। बस ठीक है शेख साहब, एक दर्जन में दो केला ही बेचो तभी आप मार्केट में खड़े रह पाओगे। बहुत बहुत। अच्छा शेख साहब, वैसे और क्या बिजनेस है? हमारा बहुत बिजनेस है, हमारा पानी का जहाज है। पानी का जहाज? ये वाला तो नहीं? यही पानी वाला जहाज। आप बुरा ना माने, ये थोड़ा छोटा नहीं है? छोटा नहीं है, खोचे कबूतर। कभी खजूर खाया हो तुम्हारा दिमाग चले? ये पानी का जहाज है, जब पानी में उतारेंगे तो बड़ा होगा। जब भी इसको चलाना होता है, एक दिन पहले हम पानी में भिगो के रखते, फूल के बड़ा हो जाता है। हम बैठ के टुचर टुचर करके जाता है। अच्छा, अच्छा। मैं सोच रहा है। हाँ। कि हमारा पानी का जहाज तो है। हाँ। मैं आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट इधर करवाता है। अच्छा। दुबई में आपके 4 ऑटो रिक्शा चलवाते है। शेख साहब, हम जब कानपुर में थे तो हम भी सोचा करते थे कि मुंबई में कभी हमारे ऑटो रिक्शा चलेंगे, तो मुंबई ना सही, दुबई में चल रहे, चलवाइए इन्वेस्ट करवाइए। वैसे आपका बिजनेस क्या है, सही बताइए बिजनेस। बिजनेस हमारा बहुत बिजनेस है, हम ये ऊंट देख रहे हैं? हाँ। इनको स्टडी वीजा पे ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। शेख साहब, ये इनको ऊंट को क्यों पढ़ा रहे हैं, ऊंट को क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने अब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं तो ऊंट के बराबर हुआ। आपने कहावत तो सुना होगा, भूरा अक्षर ऊंट बराबर। शेख साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर। वो इंडिया में होता है, इधर इधर आपको भूरा ही मिलेगा, वो भी ऊंट के साथ।
जरा ऊंट पे बिठा के सैर तो करवाइए। अब ऊंट पे नहीं जा सकते, बाहर बहुत रेत उड़ता है। इतना रेत उड़ता हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाना जाता है मुंह के ऊपर पेटी को डाल के खाता है। अजीब बात, इतना रेत उड़ता है कभी कभी तो किसी के पेटी कोट पे कोई और घुस के खाना खा जाता, पता ही नहीं चलता है। लेकिन शेख साहब रेत तो राजस्थान में बहुत उड़ता है। हमने सुना है। मैं राजस्थान में जा रहा था बेटे, कायदे क्यों कि एक टोपी पड़ी रास्ता में, मैं टोपी उठायो तो नीचे से बाल दिखे, बाल तो मैं और खोदना शुरू किया तो एक आदमी दिखे। वाह, वो आदमी क्या बोल रहे हो, और खोदना पड़ेगा, मैं ऊंट के ऊपर बैठा हूँ। और मैं और खोदो तो ऊंट बोल रहे हो कि और खोदो भाई, मैं तो बिल्डिंग के छत पे हूँ।